समाचार संग्रह के टुडेज करेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 के बारे में। जानते हैं चर्चा में क्यों है। श्रीलंका टीम ने 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत को 8 विकेट से पराजित कर खिताब जीत लिया है। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बना। ओपनर स्मृति मदाना ने 47 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली। उनके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 30 और जेमिमिया रोड्रिग्स ने 29 रन बना। वहीं श्रीलंका टीम के कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 और हर्षिता समर विक्रमा ने 69 रन बनाए। दोनों ने 87 रन की पार्टनरशिप की थी। श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बनाए और मैच जीत लिया। 2004 में शुरू हुए वुमेन एशिया कप में श्रीलंका पहली बार चैंपियन बना है। इससे पहले 5 बार रन अप रहा है। वहीं भारत ने दूसरी बार ही वुमेन्स एशिया कप 2024 का फाइनल गंवाया है। टीम को इससे पहले 2018 में बांग्लादेश ने हराया था। भारत ने 9 में से 7 बार वुमेन्स एशिया कप जीता है। जानते हैं महिला एशिया कप के बारे में। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह एक द्विवार्षिक टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में एशिया की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेती हैं। पहला महिला एशिया कप 2004 में श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में आयोजित किया गया था। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।